फ्रेंड, मैं हूं राजू रंजन पटेल और आप देख रहे हैं फार्मा एक्सपर्ट चैनल। फार्मा एक्सपर्ट चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आई हुई है। ये जो बोर्ड है DSSB यानी DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें जो वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर आया कुक ट्रांसलेटर सेक्शन ऑफिसर, ये टोटल कुल वैकेंसी जो है 1896 पोस्ट आया हुआ है। जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है यानी फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर जो ऊपर में हमारा वैकेंसीज दिया हुआ है, इसमें जो हमारा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है 10th है, एनी डिग्री है, बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, डी फार्मा है, इंटरमीडिएट 10+2 है। जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 13 मार्च 2024। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज रिलीज द लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन फॉर 1896 फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर आया कुक ट्रांसलेटर एंड सेक्शन ऑफिसर पोस्ट। ये सारे पोस्ट जो हम DSSB जो हमारा बोर्ड है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने 1896 पोस्ट रिलीज किया है जिसमें हमें डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग और 10th और एनी डिग्री, ये क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, जो लोग फार्मासिस्ट जॉब के लिए नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना फॉर्म अप्लाई जरूर करें ताकि आप कमेंट जो है DSSB वैकेंसी डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें पोस्ट वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन पूरे डिटेल्स में बाइफरगेट करके दिया हुआ है। यानी इस बोर्ड में फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज है वो 318 है, बी फार्मा और डी फार्मा इसका क्वालिफिकेशन चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1507 वैकेंसीज है और इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग चाहिए। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर इसमें 12 पोस्ट हैं, डिग्री कोई भी डिग्री चलेगा। आया के लिए 21 वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। कुक के लिए जो वैकेंसी है उसमें 32 है, 10th और 10+2 दोनों इसमें रिक्वायरमेंट है। ट्रांसलेटर की 2 वैकेंसी है, इसमें एनी डिग्री, और सेक्शन ऑफिसर के 4 वैकेंसी इसमें भी। और फ्रेंड्स, आता है एज लिमिट यानी कितने एज तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 से लेकर के 45 साल के लोग इस जॉब के लिए अप्लीकेबल हैं। यानी वैसे कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 से लेकर के 45 साल तक है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इस जॉब में जो सिलेक्शन होगी वो किस प्रोसेस के थ्रू होगी। तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, यानी इसमें कोई रिटेन एग्जाम नहीं होगा, इसमें केवल सिर्फ इंटरव्यू होगी। पे स्केल क्या होगा, जो ये सारे जॉब निकले हुए हैं वैकेंसीज हैं उसमें हमारा जो स्केल होगा वो क्या होगी, जो हमारा पे स्केल होगा वो 10,000 से लेकर के 45,000 पर मंथ होगा। बहुत अच्छा अमाउंट है और बहुत अच्छा ये वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड, तो जरूर आप लोग अप्लाई। टू अप्लाई फॉर द DSSB रिक्रूटमेंट फॉर 2024, यानी जो ये वैकेंसी आई हुई है उसमें हम फॉर्म का अप्लाई कैसे करेंगे, तो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द DSSB, यानी ये बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप वहां पर एक क्लिक में उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की जाएगी। दूसरा है वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स, क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन क्लिक, रजिस्ट्रेशन लॉगिन योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिल आउट द कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप करें, और अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसका स्कैन कॉपी उस फॉर्म पे स्कैन करके अटैच द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी उस वेबसाइट पे अपना सारा कुछ जब ये अपलोड कर देंगे तो उसको सबमिट कर देना है। अगला है कि ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि ओपनिंग डेट, यानी ये फॉर्म फिलअप करने का जो हमारा डेट शुरू होगा, कब से ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो 13 फरवरी 2024 में ये फॉर्म फिलअप करना शुरू होगा और लास्ट जो है 13 मार्च 2024, यानी पूरे एक महीना के लिए ये पोर्टल खुला रहेगा। आप उस पोर्टल पे जा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेंड जो वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अपना सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।